हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ वर्ल्ड वॉर वन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन के द्वारा वर्ल्ड वॉर टू की नींव कैसे रख दिया गया था, कैसे विक्टोरियस नेशंस ने जर्मनी का ह्यूमिलिएशन किया था, इटली क्यों परेशान हुआ था, आगे जाके फासिज्म इटली में कैसे उदय में आता है, और ट्रीटी ऑफ वर्सल से अंतर्गत कैसे जर्मनी को इस वॉर का दोषी माना जाता है, और इसके सारे वॉर के जो एक्सपेंसेस थे वो जर्मनी से कैसे वसूला जाता है, और आगे चल के कैसे हिटलर का राइज होता है, ये आज सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमने देखा था वर्ल्ड वॉर वन में 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्चा आया था, उसमें 85 लाख पीपल्स की जाने गई थी, 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए थे इस वॉर में, ये हमें देखने को मिलता है। तो जब ये ट्रिपल एंटेंट जीत के आया था और सेंट्रल पावर हार गया था, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ये हार गए थे, तो ये विक्टोरियस नेशन ने अब ये तय किया कि ये वॉर के सारे एक्सपेंस इनसे निकाला जा सकता है। तो जर्मनी का इसमें बहुत सा ह्यूमिलेशन हुआ था, और यहाँ पे ये विक्टोरियस नेशंस ने बहुत सारे ट्रीटी साइन किए गए थे, जिसमें से ट्रीटी ऑफ वर्सल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जर्मनी के साथ हुआ था। सेंट जर्मेन बोल के एक ट्रीटी था, वो ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। ट्रीटी ऑफ न्यूली बोल के ये बुल्गारिया के साथ हुआ था, और ट्रीटी ऑफ सेवरिस ये टर्की के साथ साइन किए गए थे, और एक ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ ट्रायम, ये हंगरी के साथ साइन किए गए थे, ये हमें देखने को मिलता है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ वर्सल्स, तो इसे अंतर्गत हम देख सकते हैं ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी, और ये वर्ल्ड वॉर टू का कारण हुआ था। उससे पहले हम देखते हैं, ये भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखो, उससे पहले हम देखते हैं ये इटली का क्या रोल था, या इटली क्यों परेशान हुआ था ये विक्टोरियस नेशन से। तो इटली एक साल ट्रिपल अलायंस के साथ रहने के बाद ये सब सारे जो नेशन है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस था, उन्होंने बहुत सा लालच इटली को दिया था कि आप युद्ध ना करो, जर्मनी के साइड से अलाइन मत हो, और आप युद्ध में शामिल ना हो, अगर युद्ध में अगर आप शामिल नहीं होते हो तो हम आपको बहुत सारे टेरिटरी देंगे, जैसे जोरा, डालमेटिया, ये ट्राइटिस, ये सब सारे टेरिटरी आपको दिए जाएंगे, और आप युद्ध में किसी के पक्ष के तरफ से युद्ध ना करो, ऐसे बिना युद्ध किए ही हम ये सारी टेरिटरी आपको दिए जाएंगे। जब ये युद्ध खत्म होता है, विक्टोरियस नेशन ने एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें जो इटली के जो प्रीमियर थे ओरलंग, उनको भी न्योता भेजा गया था, और वो यहाँ पे आ गए थे। तो जब टेरिटरी की बात हम करते हैं, डिवाइड करने की, केक बांटने की जब बात आती है, तो ये विक्टोरियस नेशन ने ठीक तरह से इनको अपने अपने जो जो टेरिटरी वो युद्ध से पहले बोले गए थे वो ये इन्होंने वैसे किया नहीं था, या वैसे टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, और इसके तहत ये जो इटली के जो प्रीमियर ओरलंग है, उन्होंने बीच में मीटिंग छोड़ के आए थे अपने देश वापस। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि इटली का बहुत सा ह्यूमिलेशन हुआ था ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। ओके, तो ये ह्यूमिलेशन के तहत ही मुसोलिनी का जन्म होता है बाद में, और फैसिज्म का उदय होते हुए हम इटली में देख सकते हैं। तो ये इटली की बात हो गई, ये समझ में रखो। ओके, तो ये मुसोलिनी आएगा, फासिज्म की उदय कैसे होता है ये हम अभी आगे देखेंगे। ओके, तो इटली का ये बैकग्राउंड में हम देखा कि इटली का कैसे ह्यूमिलेशन हुआ था। ओके, तो बाद में हम देखते हैं अब ये ट्रीटी ऑफ वर्सल्स कैसे साइन हुई थी। जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सल्स साइन करने के लिए जर्मन के लोग आए थे, उनको बैठने तक नहीं दिया गया था, और उनको अपना पक्ष रखने की बातें बोली ही नहीं गई थी। ओके, उनको अपना पक्ष रखने का ये दिया ही मौका ही नहीं दिया गया था इस ट्रीटी में, हम देख सकते हैं। तो इस ट्रीटी को, ये ट्रीटी है, ये साइन हुई थी। इस ट्रीटी में हम अगर देखा जाए तो टेरिटरी के हिसाब से, अगर हम इस ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स को देखा जाए, तो एक सारे जर्मनी की जो ट्रीटी उसने ऑक्यूपाई कर रहे थे, या कॉलोनी जिसके जर्मनी के थे, वो सारे छीन लिए गए थे जर्मनी से, ये हमें देखने को मिलता है। और ये ट्रीटी थी जो कि अल्साक लॉरेन बोल के ट्रीटी थी, जो कि पहले फ्रांस की थी, ये गैरिबाल्डी का आपको एपिसोड पता है, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जर्मनी के जो पर्शिया था, तब पर्शिया के सदर्न पार्ट में जब रशिया रूल करता था, उसमें एक टेरिटरी अल्साक लॉरेन, और वो जर्मनी के यूनिफिकेशन के वक्त जर्मनी में ये शामिल हुआ था, और ये
वर्सेलिस पैलेस में हुआ था, और जो कि फ्रांस का जो प्रतिष्ठा का सवाल था इस पैलेस के अंदर ही ये इसको साइन किया गया था, जिससे फ्रांस की बहुत ह्यूमिलेशन हुआ था। अब ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद कैसे वक्त का पहिया घूमता है, एल्जैक लॉरेन बोल के ये जो टेरिटरी है वो वापस उसी पैलेस में साइन होती है और ये टेरिटरी वापस फ्रांस को दिया जाता है वर्ल्ड वॉर वन के बाद। देखो कैसे वक्त का पहिया घूमता है और जर्मनी का इससे बहुत ह्यूमिलेशन हुआ, ये हमें देखने को मिलता है। उससे पहले हम देखते हैं ये लीग ऑफ नेशंस बोल के एक उभर के आई थी संगठन थी ये, तो ये लीग ऑफ नेशंस का काम क्या था कि पीस मेंटेन करना और वर्ल्ड वॉर टू ना हो, इसलिए ये सब काम करता था। तो ये लीग ऑफ नेशंस बहुत सा कुछ ऐसा सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर टू एट लास्ट हुआ ही था। ओके, तो ये बाद में जाके ये फेल हो जाती है लीग ऑफ नेशंस। तो ये लीग ऑफ नेशंस करता क्या था, जो टेरिटरी जो कि मन मुताब है या फिर जिस टेरिटरी पे झगड़े होते हैं वो अपनी तरफ ये टेरिटरी रखता था एज ए लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के तहत। ओके, तो ये लीग ऑफ नेशंस का जो ये मैंडेट है ये तो सिर्फ बहाना था, ये लीग ऑफ नेशंस सारे टेरिटरी विक्टोरियस नेशंस में बांट दिए गए थे, यह हमें आगे देखने को मिलता है। जैसे फ्रांस को बहुत सारे टेरिटरी इन्होंने बांट दिए थे, तो ये लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है। तो टेरिटरी की बात अगर होती है तो जर्मन के सारे टेरिटरी निकाल लिए गए थे। ओके, तो अब मिलिट्री की बात करें तो जर्मनी के 1/10 पॉपुलेशन इस वॉर में मर गए थे। ओके, 13% ऑफ टेरिटरी जर्मनी के हत्या लिए गए थे विक्टोरियस नेशंस के द्वारा। 75% आयरन ओर एंड 26% कोल ये सब विक्टोरियस नेशंस में बांट दिए गए थे, यह हमें देखने को मिलता है। और जर्मनी की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको भी हानि पहुंचा दी गई थी, जैसे कि वो 1,00,000 से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकते थे, सबमरीन्स नहीं रख सकते थे, एयरक्राफ्ट नहीं रख सकते थे, और आर्म्स व्हीकल का भी प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट ये जर्मनी नहीं कर सकता था, ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखा जाए तो एक हाउस ऑफ गिल्ड बोल के था, जो कि हाउस ऑफ गिल्ड बोल के था जो कि ये पूरा वर्ल्ड वॉर वन की जॉब जिम्मेदारी जर्मन पे डाल देता है, और आर्टिकल 231 के अंतर्गत इसको 6 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना लगा दिया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। जर्मनी को ही इस हाउस ऑफ गिल्ट ने दोषी करार दिया था और 6 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना जर्मनी पे लगा दिया था। आप सोच सकते हो मिलिट्री का भी करप्ट करना चालू कर दिया था, टेरिटरी भी बांट दिए गए थे, लीग ऑफ नेशंस भी ठीक तरह से काम नहीं करता था, और ऊपर से हाउस ऑफ गिल्ट का जो 6 बिलियन पाउंड्स है जर्मनी का भी नुकसान हुआ है ना इस वॉर में या नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर 6 बिलियन पाउंड्स का इसको जुर्माना लगा दिया जाता है। मतलब जर्मनी का किस हद तक ये ह्यूमिलेशन कर रहे थे, राइनलैंड जो है उसको डीमिलिटराइज किया गया था, मतलब जर्मनी वापस उभर कर ही ना आए और वो युद्ध ना करे, इसके अंतर्गत इसका बहुत सा एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया था। ओके, इसके बाद में जर्मनी में बहुत सारे विद्रोह पैदा हो गए थे, बहुत सारे विद्रोह लोग करने लगे थे, क्योंकि जर्मनी का बहुत सा ह्यूमिलेशन हुआ था। एक तरफ फ्रांस को अपनी टेरिटरी दिए गया था, बाकी सब 13% टेरिटरी पे दूसरों का हक गया था अपने देश की टेरिटरी, ऐसा 75% आयरन और 26% कोल के भी दूसरे बांट के ले जाएंगे अपने देश की सब रिसोर्स, तो कैसे जर्मनी का ह्यूमिलेशन हुआ था ये हमें देखने को मिलता है। और जर्मन के जो लोग पोलैंड में रहते थे उनको भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक भी नहीं दिया गया था, यह हमें देखने को मिलता है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के अंतर्गत इतना ह्यूमिलेशन हुआ बाद में हमें जानने को मिलता है, कैसे हिटलर जर्मन की ग्लोरी में वापस दूंगा और वादा करके जर्मन को फिर से एकजुट करके वो सत्ता पे आता है, और यहाँ से हिटलर का दौर चालू होता है, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने इटली क्यों परेशान हुआ था, इटली से क्या क्या इन लोगों ने कैसे वादा करके उसको पूरा नहीं किया, और जर्मनी का ट्रीटी ऑफ वर्सल्स से कैसे ह्यूमिलेशन हुआ, ये सब कुछ हमने कवर किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।